सुप्रभात प्यारे बच्चों, ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कड़ी में हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कोकिला के पाठ 14 कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी व्याकरण के अशुद्ध और शुद्ध शब्दों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा में शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लिखने का बहुत महत्व है। हम शब्दों को लिखते समय कई प्रकार की अशुद्धियां अर्थात गलतियां कर देते हैं। इसका एक कारण अशुद्ध उच्चारण भी होता है। बच्चों, शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है। लेखन में अशुद्धियां दूर करने के लिए शब्दों के शुद्ध रूप जानना भी जरूरी है। तो आइए आज हम कुछ शब्दों के माध्यम से मात्राओं का सही प्रयोग व शुद्ध शब्द लेखन सीखते हैं। अशुद्ध, शुद्ध। तो देखिए बच्चों, ये कुछ शब्दों के अशुद्ध रूप यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए सीखते हैं इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखा और बोला जाएगा। पहला शब्द है सिर। इसका शुद्ध रूप होगा सिर। अगला शब्द है फूल। इसका शुद्ध रूप होगा फूल। अगला शब्द है स्कूल। इसका शुद्ध रूप होगा स्कूल। अगला शब्द है पुस्तक। इसका शुद्ध रूप होगा पुस्तक। अगला शब्द है बच्चों बाण। इसका शुद्ध रूप होगा बाण। अगला शब्द है महिला। इसका शुद्ध रूप होगा महिला। अगला शब्द है कार्य। इसका शुद्ध रूप होगा कार्य। भूख। इसका शुद्ध रूप होगा भूख। अगला शब्द है बच्चों स्थान। इसका शुद्ध रूप होगा स्थान। अगला शब्द है बच्चों पानी। इसका शुद्ध रूप होगा पानी। तो प्यारे बच्चों, इस कार्य पत्रिका का लिखित अभ्यास अपनी लेखन पुस्तिका में अवश्य करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।